यूपी के बदायूं में 8 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म के असफल प्रयास के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की। सनसनीखेज वारदात का आज उझानी पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के सगे मामा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। कलयुगी मामा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कोतवाली उझानी के मोहल्ला बहादुरगंज में 8 साल के मासूम के साथ कुकर्म जैसी घिनौनी कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्चे का सगा मामा निकला, जिसका आज उझानी पुलिस ने खुलासा करते हुए कलयुगी मामा को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि मोहल्ला बहादुरगंज निवासी सर्वर मेहनत मजदूरी करता है। उसका साला लल्ला उर्फ समीर पुत्र अजीज कुरैसी 15 साल से उसके घर में रहता था, जिसने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देते हुए हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। वारदात से इलाके में कोहराम मच गया। कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि बीती 23 जून को मृतक बालक घर के पास ही बिरयानी खाने निकला था। कलयुगी मामा लल्ला भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। हत्याभियुक्त लल्ला ने बताया कि वह बच्चे को बहला फुसला कर पास की ही परचूनी की दुकान पर ले गया और उसे कुरकुरे दिलाकर बुरी नीयत से मक्का के खेत में ले गया, जहाँ उसने उसके साथ कुकर्म करना चाहा। इस बीच बच्चा चीखता चिल्लाता रहा और वह अपने अब्बू के पास जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पत्थर दिल हैवान का दिल नहीं पसीजा और उसने उसी के निक्कर के नाड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि हैवान बने कलयुगी मामा लल्ला उर्फ समीर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया। ये 23/24 की रात्रि में उझानी थाना अंतर्गत बाईपास पे जो मक्के का खेत था उसमें ये घटना पारित हुई थी और 24 जून को प्रातः एक बच्चे की डेड बॉडी मक्के के खेत में बदायूं जनपद के उझानी थाना अंतर्गत हाईवे पे मक्के के खेत में प्राप्त हुई थी। इसको लेकर के हमारी एसओजी टीम और थाना उझानी की पुलिस एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगातार सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस सर्विलांस के माध्यम से इस घटना का खुलासा करने का प्रयास कर रही थी कि इतने छोटे बच्चे की हत्या कैसे हुई। तो इसमें सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई तो इसके इस बच्चे का सगा मामा निकला, जो इसको बहला फुसला कर इसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था और दुष्कर्म करने के उद्देश्य से उस मक्के खेत में इसको ले गया। बच्चा जब चिल्लाने लगा, रोने लगा और इसको लगा कि अब तो खुलासा हो जाएगा, घर में घर वालों को पता हो जाएगा, तो उसी के अंडरवियर के नारे से स्ट्रेंगुलेट करके इन्होंने उसकी हत्या कर दी, उस मासूम की। इस संदर्भ में डीजीपी महोदय के निर्देश पे इसमें शीघ्र ही साक्ष्य संकलित करके चार्जशीट लगा करके और डीजे साहब से बात करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको लगा करके इस केस को और शीघ्र ही इसमें कन्विक्शन का पुलिस जनपद बदायूं की पुलिस द्वारा किया जाएगा। सर, इसने क्या कुकर्म करने का प्रयास किया था और कर नहीं पाया था, जैसा कि इसने बताया अपने कन्फेशन में। तो जब इसको लगा कि अब इसका खुलासा हो जाएगा तो इसने उसके अंडरवियर के नाड़े से उसको स्ट्रेंगुलेट करके उसकी हत्या कर दी। बहुत ही जल्द, जैसे साक्ष्य संकलित हो जाएगा, पूरा हमारा टारगेट है कि 30 दिवस के अंदर ही इसमें ट्रायल कंप्लीट कर लिया जाए।